नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 12 बज रहे हैं और 12 बजे वक्त होता है न्यूज 50 का, लेकिन इस वक्त हमारे पास दिल्ली के तमाम इलाकों में हुई बारिश की तस्वीरें हैं और इसीलिए हम आपको दिल्ली की बारिश की हर तस्वीर दिखाएंगे और न्यूज 50 भी हम आपको दिखाएंगे दोपहर 12:30 बजे। दिल्ली में हो रही बारिश से ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी भी परेशान हो गए हैं। आईआईटी दिल्ली में छात्रों को संबोधित करने के लिए जॉन कैरी पहुंचे और वहां पर आईआईटी में छात्रों की भीड़ देखकर मजाक किया उन्होंने। कैरी ने कहा, लगता है आप लोग नाव से यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आपको सल्यूट करता हूं। Thank you very much. You guys all deserve an award for being able to get here today. I don't know if you came in boats or amphibious vehicles of some kind, but I salute you. आज सुबह से दिल्ली और आसपास बारिश हो रही है। जी न्यूज के रिपोर्टर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी मौजूद हैं, आपके लिए बारिश की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब रिपोर्ट्स की नजर से आपको दिखाते हैं दिल्ली का हाल। इस वक्त हम एम्स फ्लाईओवर पर खड़े हैं और यहाँ की स्थिति आपको दिखा देते हैं। एम्बुलेंस पानी से जूझती हुई आगे बढ़ रही है, घुटनों से ज्यादा का पानी है और लोगों को यहाँ निकलने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। अगर कैमरामैन बाएं ओर दिखा पाए तो दो ऑटो और एक गाड़ी पहले से रुके हुए हैं। इस सड़क के मुहाने पर दो बस भी खराब खड़ी है। ये यहाँ की स्थिति है और ये एम्बुलेंस फिलहाल यहाँ पानी में अटक गई है। बस जा रही है तो किस तरह की लहरें बन रही है आप ये देख सकते हैं। ये स्मार्ट दिल्ली का हाल है, पानी लहरों पे चल रहा है। आपने उड़ता पंजाब देखी, लेकिन आज तैरता हुआ दिल्ली देखिए आप। ये सिविक एजेंसीज के फेलियर के अलावा भारत में दिल्ली शहर में मानव निर्मित त्रासदी कही जा सकती है, आपदा कही जा सकती है, जहां पर नालों की सफाई नहीं की जाती और नतीजा ये होता है कि दिल्ली के एक अहम चौराहे पर पानी इस कदर भर जाता है कि लोगों को निकलने में परेशानी होती है। अब ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पानी ज्यादा है और इनकी बाइक रुक गई है, यानी इस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। बस रेंग कर निकल रही है, बाइक अभी भी ये संघर्ष करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ दो ऑटो पहले ही बंद हो चुके हैं। क्या आम क्या खास, सबकी गाड़ियां यहाँ अटक रही हैं और दिल्ली की नब्ज फिलहाल अगर सड़कें हैं तो वो रुकी हुई है। पीछे लंबा ट्रैफिक जैम लगा है और इसकी वजह आपकी नजरों के सामने है। दिल्ली को सबसे बेहतर दिल्ली, सबसे साफ दिल्ली, सबसे वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाने की बातें वादे चुनाव में होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद एक बारिश में वो वादे कैसे धुलते हैं और जनता कैसे परेशान होती है उसका जीता जागता उदाहरण ये है। सवाल ये है कि हम स्मार्ट सिटीज बनाने का सपना तो दिखाते हैं, लेकिन इन सिटीज की हकीकत का क्या, जहां बारिश होते ही हाल सब कुछ पानी पानी होता है और लोग दो चार होते हैं परेशानियों से और जूझते हैं ट्रैफिक से। आज पूरे दिन भर बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। ये दिन के पहले हिस्से का हाल है। जब शाम होगी और अगर बारिश हुई वर्किंग आवर्स में तो यहाँ क्या स्थिति होगी वो सब समझ सकते हैं। कैमरामैन शंकर सन मलिक के साथ पवन नारा, जी मीडिया दिल्ली। तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है क्योंकि जगह जगह जल भराव हो गया है और मैं मौजूद हूँ भैरव मंदिर मार्ग है जो कि प्रगति मैदान के ठीक पास में है और देखेंगे कि आप जहाँ तक देखेंगे आपको दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आएगा और जो लोग हैं जो कि वाहन हैं उनको भी चलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि जो टू व्हीलर हैं वो इस पानी के बीच में नहीं चल पा रहे हैं लेकिन जो फोर व्हीलर हैं वो चल तो पा रहे हैं लेकिन उनकी जो रफ्तार है वो बेहद धीमी है जिस वजह से जो जाम की स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है और जो जल भराव है यहाँ पर ज़्यादा हो गया है और यहाँ से निकासी कोई नहीं हो पा रही है जिस वजह से जो पानी है वो यहाँ पर बना हुआ है और काफ़ी व्यस्त ये पूरा रोड रहता है। जो लोग गाज़ियाबाद की तरफ से आते हैं, जिन लोगों को कनॉट प्लेस की तरफ जाना हो, वो लोग जो है इस रोड का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से आप देखेंगे जो टू व्हीलर हैं वो इस जगह से निकल रहे हैं जो कि यहाँ पर फुटपाथ बना हुआ है वहाँ से जो टू व्हीलर हैं वो निकल पा रहे हैं और जो वाहन आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया हो और जो और ये स्थिति यहाँ दिल्ली के कई इलाकों में बनी हुई है
जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन निशांत के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली NCR में सुबह से हो रही तेज बारिश ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आप देखिए कि इस वक्त हम लोग नोएडा के सेक्टर 22 में खड़े हुए हैं और आप देखिए कि किस तरह से बच्चे स्कूल जाने के लिए पानी के बीच में से होकर के निकल रहे हैं, किस कदर यहाँ पर बारिश का पानी जो है वो जमा है और घुटने घुटने तक पानी है। पूरी ये जो गली है, जो ये रोड है, वहाँ पर पानी जमा हुआ है और लोगों को निकलने में, स्कूल जाने में बच्चों को दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ आप देखिए ये पानी रोड तक आया हुआ है। अगर आप इधर की तरफ देखें तो गाड़ियां तक आधी इस पानी में डूबी हुई हैं और इसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी यहां पर हो रहा है। आप देखिए कि ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम इस पूरी रोड पर लगा हुआ है क्योंकि आधी रोड जो है वो बारिश की वजह से उसमें पानी भरा हुआ है और गाड़ियाँ उस पर चल नहीं पा रही हैं और जो रोड बची है उस पर ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है और साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि बारिश ने किस तरह से लोगों के लिए मुसीबत यहां पर खड़ी कर दी है। कैमरामैन पीयूष के साथ अश्वनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, नोएडा। दिल्ली NCR में सुबह से तेज बारिश हो रही है। जोरदार बारिश का असर ये है कि इस वक्त सराय काले खां में पानी 1.5 से 2 फीट भर गया है, जिसका सीधा सा नतीजा ये है कि 4 लेन का जो रास्ता है वो लगभग 2 लेन में तब्दील हो गया है और उसका नतीजा ये निकलता है कि आप जैसे ही नजर घुमाएंगे और सामने की ओर देखेंगे तो आपको एक लंबी कतार दिखाई देगी वाहनों की। यही वजह है कि पानी भरने की वजह से परेशानी है। ITO पे बहुत ज्यादा पानी है, बिल्कुल भरा पड़ा है। ITO मतलब बिल्कुल चौप हुआ पड़ा है, पानी पानी है, कम से कम 1 किलोमीटर तक पानी भरा पड़ा है, 3 फीट का पानी है। लोगों का कहना है पानी ज्यादा है इसीलिए परेशानी हो रही है। आगे भी पानी दिखाई दे रहा है, बता रहे हैं पीछे भी पानी है और यही वजह है कि ट्रैफिक यहां पर बिल्कुल रुका हुआ है। ये दिल्ली NCR के ज्यादातर इलाकों की तस्वीर है और सवाल यही है अक्सर जो उठता है कि आखिर ये पानी इतना बरसने के बाद निकलता क्यों नहीं है और नाले और नालियां जाम क्यों हैं। नतीजा ये है कि ट्रैफिक थमा हुआ है, लंबी कतारें हैं और जो लोग ये सोचकर निकले थे कि ऑफिस वक्त पर पहुंचेंगे, सुबह के 10:30 बज चुके हैं लेकिन अभी तक वो सड़कों पर अटके हुए हैं दिल्ली के इस जाम के बीच। यानी दिल्ली में जाम एक नया दर्द है जिससे लोगों को अक्सर दो चार होना पड़ता है और अगर बारिश हो जाए तो ये दर्द कई गुना बढ़ जाता है। कैमरामैन शंकरसन मलिक के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। राजधानी में झमाझम बारिश से दिल्ली में जाम की स्थिति बन गई है और मैं मौजूद हूं प्रगति मैदान रोड पर। आप देख सकते हैं यहां पर भारी बारिश होने की वजह से जो पानी है वो रोड पर जमा हो गया है, जिस वजह से वाहन जो है उनको चलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जहां तक देखेंगे आपको दूर तक पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। और ये तस्वीर जो है दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल रही है और इतना ज़्यादा पानी है कि लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है और यहाँ तक कि जो 2-व्हीलर हैं वो इस पानी से नहीं निकल पा रहे हैं, जो कि 4-व्हीलर हैं वो वाहन इस पानी से निकलने में भी उनको भी परेशानी हो रही है कि कहीं इंजन में पानी ना चले जाए, जिस वजह से जो गाड़ी है वो उनकी ख़राब ना हो जाए। और देख सकते हैं आगे तक देखेंगे तो आपको पानी ही पानी नज़र आएगा और ये ठीक देखेंगे सामने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है और ये पूरा रोड जो है काफ़ी व्यस्त रहता है और इसी के साथ दूर तक देखेंगे वहाँ पर भी जो पानी की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर जो वर्कर हैं वो लगे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर भी ज़्यादा जल भराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो ट्रैफिक है उसकी अगर बात की जाए तो ट्रैफिक बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है, ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जल भराव हो गया है उस वजह से जो निकलने वाले वाहन हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन निशांत के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली NCR में आज सुबह से ही बारिश हो रही है और नतीजा ये है कि ट्रैफिक जैम है। इस वक्त हम सराय काले खां पर मौजूद हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश चल रही है और ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया है, लंबी कतारें वाहनों की लग गई है और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है दिल्ली NCR में। इस मौसम में जब जब बारिश हुई है तब तब लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ा है।
हाल ये है कि सुबह सुबह ऑफिस आवर्स है। दुनिया की कोशिश यही है कि लोगों की कोशिश यही है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाए, लेकिन स्थिति ये है कि लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, फंसे हुए हैं और बारिश लगातार हो रही है। ये बारिश काफ़ी देर से चल रही है जिसकी वजह से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव में भी बारिश तेज बताई जा रही है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि बसंत विहार, भोला कुआं, NH8 पर तेज बारिश है और ट्रैफिक पूरी तरह से जाम है। हवा भी काफी तेज है और ऐसे में लोगों को ट्रैफिक से दो चार होना पड़ रहा है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली NCR में आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ता है वो होता है ट्रैफिक जाम और वाटर लॉगिंग। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सड़क के किनारे जो है वो पानी भरना शुरू हो गया है और ट्रैफिक एकदम धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। ये व्यस्त रहने वाला इलाका है ITO का, बहुत सारे लोग यहाँ से अप्रोच करते हैं। अगर आपको बाराखंबा जाना है तो भी यही रास्ता लेना होता है, अगर आपको कैनॉट प्लेस की तरफ जाना है तो भी यहीं से जाना होगा, इंडिया गेट जाना है, प्रगति मैदान जाना है, बेहद अहम यह रास्ता है। और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं सभी गाड़ियों की पार्किंग लाइट आपको ऑन नजर आएगी, यहाँ पर लंबी कतार जो है वो लग चुकी है गाड़ियों की। सबसे बड़ा सवाल जो हर बार यही उठता है कि हर बार ये कहा जाता है कि NCR फेल हो गई है, जो दावे थे उसकी पोल खुल गई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसको वक्त रहते ठीक क्यों नहीं किया जाता। NCR हर बार ये दावे करती है कि उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन हर बार हर मानसून में तस्वीर यही होती है, एक बारिश होती है और इस तरह का हाल हो जाता है। और आज जिस तरह से तेज बारिश सुबह से हो रही है, लग रहा है कि आज दिन भर यही स्थिति चलने वाली है। और ये जो जाम है इससे सामना दिल्ली वालों का आज लगता है कि दिन भर होता रहेगा, क्योंकि बारिश सुबह से ही बहुत तेज हो रही है और अभी लगातार जो बारिश है वो बरस रही है, लगातार जो बादल है वो बरसते जा रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन विनायक के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया।